दिल्ली के आदर्श नगर मर्डर मामले में पुलिस ने आरोपी अकीबुल और उसके साथी फरदीन को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई स्कूटी और चाकू भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में शनिवार रात को स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात हुई थी। यहां गोद में 2 साल के मासूम को लेकर पैदल जा रही महिला सिमरन कौर से स्कूटी सवार बदमाशों ने चैन लूटने की कोशिश की। जब सिमरन ने बदमाशों का विरोध किया तो उन्होंने बेरहमी के साथ उनके गले पर चाकू से वार किए और उसके बाद स्कूटी पर बैठकर वहां से भाग गए। महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। नॉर्थ वेस्ट DCP उषा रंगनानी ने कहा, दिल्ली में चैन छीनने की कोशिश में महिला को चाकू मार दिया गया। इस मामले की जाँच के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। आदर्श नगर थाने के क्षेत्र में कल रात हुए रॉबरी कम मर्डर के इंसिडेंट में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात को लगभग 10:45 एक PCR कॉल आई थी जिसमें ये इत्तला मिली थी कि एक लेडी को चाकू मार दिया है जिसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इमिडिएटली पुलिस ने मौके पर पहुंची और हॉस्पिटल भी पहुंचे और जहां पे पता पड़ा कि विक्टिम की ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में केस FIR अंडर सेक्शन 302 IPC दर्ज किया गया और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन टेकअप करी गई। ऑफेंस की ग्रेविटी को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट टीम्स फॉर्म करी गई। लगभग 10 टीम्स अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर ऑफिसर्स एंड पर्सनल सुपरविजन ऑफ द अंडरसाइन फॉर्म करी गई और इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया गया। मौके का इंस्पेक्शन किया गया जहाँ पे लगे हुए विसिनिटी के और पॉसिबल एंट्री और एग्जिट रूट्स के CCTV फुटेज चेक करे गए, जिसमें यह पता पड़ा कि विक्टिम जब अपनी मदर के साथ मार्केट से लौट रही थी तो 2 लड़के स्कूटी पर आते हैं और उनमें से एक लड़का उतरता है और विक्टिम को फॉलो करता है और उसके गले की चेन छीनने की कोशिश करता है। विक्टिम इस अटेम्प्ट को रेजिस्ट करती है और उसको पकड़ने के लिए भागती है तो इसमें वो उसके ऊपर चाकू से वार करता है जिसमें वो घायल हो जाती है और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मामले में CCTV फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और मुखबिर तंत्र के जरिए दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के नाम अकीबुल और फरदीन हैं। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन अकीबुल स्कूटी चला रहा था जबकि फरदीन ने सिमरन कौर के गले पर चाकू से वार किए थे। पुलिस का कहना है कि दोनों आदतन अपराधी हैं। वे चैन स्नैचिंग की या वारदातों को अंजाम देते हैं जिससे अय्याशी के लिए पैसे इकट्ठे हो जाए। पीड़ित के विरोध करने पर वे उस पर हमला करने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक आरोपी अकीबुल पर पहले भी मारपीट मामले में एक FIR दर्ज है। पुलिस ने उस मामले में अकीबुल के भाई, माँ और पिता को गिरफ्तार किया लेकिन वह अकीबुल तक नहीं पहुँच पाई थी। इस मामले में पुलिस उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की तैयारी में था लेकिन उसी दौरान उसने आदर्श नगर मर्डर की घटना को अंजाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल अत्रिक रिपोर्ट।